नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए उनकी मोहब्बत की दुकान बस में चढ़ने के लिए किसी को एक विशेष टिकट की जरूरत पड़ सकती है। टिकट में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की एक यात्रा अवतार में तस्वीर छप गई है। बताते हैं कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने टिकट के साथ तस्वीर खिंचवाई है, जिसमें टी शर्ट और ट्राउजर पहने हुए राहुल गांधी चलती हुई मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं और इस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। टिकट के साथ पोस्ट देते हुए जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया है कि यह मोहब्बत की दुकान बस का टिकट है। और कांग्रेस नेता रमेश ने एक्स पर लिखा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जिस मोहब्बत की दुकान बस में चल रहे हैं उस बस की टिकट है। पिछले 10 साल के अन्याय काल के खिलाफ न्याय की इस यात्रा में जो लोग राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं और उनसे बातचीत करना चाहते हैं उन्हें ऐसी टिकट देकर बस में बुलाया है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को मणिपुर के थौबल से शुरू हुई थी, वही सोमवार के शाम यह यात्रा नागालैंड पहुंच गई है। बताते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी पार्टी सहयोगियों के साथ मणिपुर की सीमा से लगे कोहिमा जिले के खुजामा गांव पहुंचे हैं, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी रात्रि विश्राम के लिए गांव में ही रुके। कांग्रेस की नागालैंड इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष क्विदि धेनुओ के मुताबिक राहुल गांधी नागा होहो सहित नागा आदिवासी संगठनों, नागरिक संस्थानों और चर्च निकायों के साथ उनके मुद्दों और समस्याओं पर बंद कमरे में बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की यह यात्रा 18 जनवरी को असम में प्रवेश करेगी और इससे पहले यात्रा नागालैंड के 5 जिलों यानी कि कोहिमा, सेमन्यू, बोखा, जुन्हे बोटो और मोको कंचुंग से गुजरेगी। वहीं क्विची धेनुओ ने बताया है कि मंगलवार को राहुल गांधी विश्वेमा गांव से नागालैंड में अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और कोहिमा पहुंचने पर वह द्वितीय विश्व युद्ध के कब्रिस्तान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उन्होंने बताया कि अन्य जिलों में जाने से पहले वह हाई स्कूल जंक्शन में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों के 100 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और इस दौरान कुल 6,713 किलोमीटर की दूरी बस और पैदल से तय की जाएगी और इसका समापन 20 या 21 मार्च को मुंबई में किया जाएगा।